हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों का प्रयास जो है वो बहुत काफ़ी समय से ही चला आ रहा है, हम लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हो ये भी मुझे दिखाई देता है। आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए मैंने बनाया है जो लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सोचा, लेकिन मेरा ये मानना था कि आप लोग पीडीएफ के बजाय यदि आप खुद ही इनको नोट करते और अपनी खुद के नोट्स तैयार करते और उनसे पढ़ते तो वो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन फिर भी कई बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है, वो नहीं टाइम दे पाते हैं कि उन चीज़ों को सुनकर और फिर उन्हें नोट डाउन भी कर सकें। सबकी परिस्थितियाँ जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो अब जिन बच्चों ने नोट डाउन कर लिया बहुत अच्छी बात है, उनको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ में उनके नोट्स होंगे और रिवीजन के टाइम पर आप फटाफट रिवीजन कर पाएंगे। अब जो बच्चे कहते हैं कि हमें पीडीएफ ही चाहिए, हम लोग नोट डाउन नहीं कर पाए हैं या हम बाद में यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास अब भी टाइम है। आप अब भी 6 से लेकर 10th क्लास तक की संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण राजनीति शास्त्र और भूगोल आपका YouTube चैनल पर बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में डाला जा चुका है और आपकी प्रैक्टिस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब 6 से लेकर 10th तक की पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपके हाथ में कैसे हो, कैसे आप रिवीजन फटाफट कर सको। जो बच्चों ने नोट कर लिए हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनके हाथ में नहीं है और वो पीडीएफ चाहते हैं, तो देखिए बच्चों, मेरा तो अभी भी ये मानना है कि आप अब भी क्या करिए, अब भी उसको YouTube चैनल से ही जो फ्री में मैंने अवेलेबल करवाया है उससे आप नोट करिए, जिससे कि आपको उसका कुछ भी खर्च ना करना पड़े। क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने बोला है कि जब से 6 क्लास से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तभी से मैंने बोला है इनको आप नोट्स बनाइए, इनको आप एक एक करके नोट डाउन करिए, जिससे कि आगे चल के आपको इसका फायदा होगा। लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाए और पीडीएफ की डिमांड करते हैं। अब पीडीएफ के लिए तो देखिए मेरे पास इतना अच्छा जो साधन है वो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज करके कंप्यूटर वाले सर से इस चीज़ के लिए मैंने कह दिया है और वो भी मान गए हैं। लेकिन आप सबको भी पता है किसी भी इंसान को यदि आप हायर करते हैं तो वो अपना चार्ज लेता है और उनका जो चार्ज है वो मिनिमम से मिनिमम होगा। मैंने उनको कह दिया है, बच्चों की भविष्य का सवाल है। तो आप लोग जो भी इच्छुक हैं पीडीएफ के, जिन्होंने नोट कर लिया है उनकी बात नहीं कह रही हूँ और जो अब नोट करेंगे उनकी भी बात नहीं कह रही हूँ, यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ा हुआ है, आप बिल्कुल फ्री में पढ़िए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं लिख पाए हैं और जिनको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में सीधी पीडीएफ आ जानी चाहिए जिससे कि हम रिवीजन कर सकें, तो आप लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको एक नंबर जो है वो दे दिया जाएगा, उस फोन नंबर पर आप कॉल करके सर से ये मालूम कर लीजिए कि आप तक पीडीएफ कैसे पहुंचेगी और इसका जो चार्ज है वो क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ तो सर के ऊपर डिपेंड है। बस मेरा ये है कि सर जो है वो जितना कम हो सकता है बच्चों से उतना कम चार्ज लें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल मेरे ही तरीके से हैं, मेरे ही जैसे हैं, जिस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई की है उसी तरीके से मेरे बच्चे भी हैं, तो वो भी इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और ये तो थी पीडीएफ के लिए बात कि पीडीएफ जो है वो आप लोगों पहुंच जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी, आप लोग उसको एंड टाइम पे रिवीजन कर लीजिएगा। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th संपूर्ण इतिहास और संपूर्ण भूगोल और संपूर्ण पॉलिटी, तो देखिए इतना अच्छा मैटर जो है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप किसी अदर कोचिंग में भी जाकर देखेंगे तो वहां आपको या तो इतना हाई लेवल का आपको दे दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, या आपको इतना कम पढ़ाया जाएगा वो भी आपके लिए सही नहीं है। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है और सारा का सारा फोकस मेरा इसी पर था स्टार्टिंग से। जब आप लोगों के पास सिलेबस नहीं आया था नया वाला, उससे पहले ही मैंने आप लोगों को कह दिया था 6-7 मंथ पहले ही कि आप लोगों का सारा सिलेबस जो है वो आरबीएससी की बुक से ही आएगा, तो इसका दावा मैंने उस वक्त भी किया था और आज भी कर रही हूँ। तो जिन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है
और YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और अब भी मैं ये कह रही हूँ, जो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है और जो फ्री में चाहते हैं, तो वो बिल्कुल यूट्यूब से प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस डाले जा चुके हैं, वहां से आप नोट डाउन करिए ताकि आपको बिल्कुल भी पे ना करना पड़े, बिल्कुल खर्च ना करना पड़े। क्योंकि एजुकेशन के लिए इतनी परेशान होकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कई बच्चों के पास इतना नहीं होता है कि वो इतना खर्च कर सकें, ठीक है। फिर भी आप लोगों को इतना कम खर्च करना पड़ेगा और आपके हाथ में पीडीएफ आ जाएगी, ऐसा मैंने सर से भी कह दिया है। आप किसी कोचिंग को भी ज्वाइन करते तब भी आपको वहां पर 1500 या 2000 रुपीस तो देने ही पड़ते, और यदि आपको वो चीज जो है वो आपको बहुत ही कम अमाउंट में मिल जाती है, और इतनी बेटर चीज कि आपकी जॉब लग जाए और उसके बाद आप इतना अच्छा भविष्य अपना संवार सकते हैं, तो मेरे ख्याल से जो बच्चे नोट नहीं कर पाए हैं तो उन लोगों को तो ले लेनी चाहिए, और जो नोट कर सकते हैं अभी भी तो उनको यूट्यूब चैनल से फ्री में नोट करना चाहिए। तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड है, देखिए मेहनत आपको करनी है तो ये सब कुछ आप पर ही डिपेंड होता है। और जो नहीं मेहनत कर रहे हैं, जो नहीं लिख पा रहे हैं, और उनका है कि हमें याद भी करना है, हमारे हाथों में भी पीडीएफ होनी चाहिए, तो वो बच्चे जो है वो बिल्कुल सर से फोन करके और जैसा भी है वो आप उनसे पता कर लीजिए, ठीक है। ये तो थी मेरी तरफ से पीडीएफ की बात। तो आगे से मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग पीडीएफ के लिए मुझसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए और आप कैसे उपलब्ध कराएंगी। मैंने आपको सारी स्थिति बता दी है, आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी, और वो कैसे मिलेगी तो आपको कॉल करना होगा और उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस टाइम जो है वो कोई भी व्यक्ति फ्री में कुछ भी नहीं देना चाहता है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। लेकिन कम अमाउंट में ही आपको बहुत सारी चीजें मिल जा रही हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब देखिए, ये सिर्फ आपके आज का नहीं, ये भविष्य का सवाल है, तो इससे खिलवाड़ जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसा भी हो, आप जितना ज्यादा मैटर आपके हाथ में आ सकता है किसी भी तरीके से, तो वो आप अपने हाथ में जल्दी से जल्दी ले लीजिए, चाहे वो पीडीएफ से आप मंगा लीजिए, चाहे यूट्यूब चैनल पर फ्री में आप नोट करिए, या मेरे वीडियोस जो है उनको आप सुनकर करिए। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा अंत में यही कहना है कि मैटर इतना अच्छा है, मिला है आप लोगों को, जो कि कहीं भी नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में। क्योंकि आप देखते हैं, किसी ने 6th, 7th या 8th तक की करा दी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो 9th, 10th की नहीं कराई। मैंने 10th तक कंप्लीट करवा दी है, ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है, और इसके अलावा राजस्थान का जीके जो है वो भी मैं आप लोगों को फ्री में करवाऊंगी, ठीक है। तो अब जो बच्चे पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट करिएगा, और अपने जो सर हैं उनसे सारी चीजें जो है वो आप पता कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं अपनी तैयारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।